हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे होंगे? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी हूँ लाइट वट हेयर कॉम्बिंग। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ड्राई हेयर कॉम्बिंग मैं सेकंड पार्ट में लेकर के आऊँगी एंड ऑयली हेयर कॉम्बिंग मैं थर्ड पार्ट में लेकर के आऊँगी। तो आपको मैं ये लाइट वट हेयर कॉम्बिंग करके दिखाऊँगी कि आपने किस तरीके से अपने बालों को, मतलब कि हल्के गीला कॉम्ब करना कैसे करना है। तो आप बने रहिए फुल वीडियो के साथ, इसके बिल्कुल ही मत करना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, कोमल गौतम लॉन्ग हेयर करके मेरी आईडी है। एंड न्यू वीडियो आपकी क्या होगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं न्यू हेयर केयर वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर से रिलेटेड वीडियो में हेयर केयर से रिलेटेड अपलोड करती रहती हूँ आए दिन। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट करना एंड थैंक यू सो मच। तो बने रहिए आप मेरी यूट्यूब वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो आपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। देन उसके बाद आपने धीरे धीरे मोटे कॉम्ब से आपने हेयर कॉम्ब करना है। सिल्क कॉम्ब से आपने हेयर कॉम्ब नहीं करना है, आपने मोटा ही हेयर कॉम्ब से कॉम्ब करना है। ओके, धीरे धीरे आपने अपने बालों को कॉम करना है, सुलझाना है। तो देखिए मैं किस तरीके से हेयर कॉम कर रही हूँ, और ड्राई हेयर कॉम मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी, ये फर्स्ट पार्ट है लाइट वट हेयर कॉम। आपने ज़्यादा गीले बालों में हेयर कॉम नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा गीले बालों में हेयर कॉम करने से हमारे बालों की जड़ें जो है वो कमज़ोर होती है और हमारे बाल टूटने लगते हैं। तो इसलिए आपने ज़्यादा गीले बालों को हेयर कॉम नहीं करना है, हल्के सूखने पर उसे हेयर कॉम करना है। तो उससे हमारे बाल ज़्यादा टूटते भी नहीं है और ना ही जड़ से निकलते हैं और आसानी से हेयर कॉम्ब हो जाता है। और जब ड्राई हेयर हो जाए तो आपने फिर हेयर ऑयलिंग करके आप तब हेयर कॉम्ब कर सकते हैं, या फिर पहले भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है तो मुझे हेयर ऑयलिंग से पहले भी हेयर कॉम्ब करना होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ड्राई हेयर की कॉम्बिंग वीडियोज़ मांगते हैं, तो मुझे इसलिए ड्राई हेयर में कॉम्बिंग करना होता है। तो मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी आपको ड्राई हेयर कॉम मैं किस तरीके से करती हूँ।
तो फाइनली मेरे बालों में हेयर कॉम हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मुझे ज़्यादा मतलब कि मेरे ज़्यादा बाल निकलते भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कॉम में मेरे बाल बस दो चार बाल ही है, फाइनल हेयर कॉम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल अब किस तरीके से दिख रहे हैं। तो आप बने रहिए फुल वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में मैं ड्राई हेयर कॉम्बिंग लेकर आके आऊँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने सिल्की और स्मूथ है, और फाइनल मेरे सारे बालों में हेयर कॉम्ब हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं इलजे हुए मेरे बाल। तो फाइनल हेयर कॉम्ब हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर सपोर्ट करें, यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।